एवरीवन, आई एम श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल कॉर्नर बाय श्वेता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा DIY फेस पैक जिसको आपको दिवाली और करवा चौथ कोई सा भी फेस्टिवल हो उसमें जस्ट आपको लगाना है 2 घंटे पहले। यानी कि अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो अगर आप उसे अगर 2 या 1 घंटे पहले भी लगाएंगे तो भी आपको अपने फेस पे बहुत ही अच्छा इंस्टेंट ग्लो मिलेगा। इसको लगाने के बाद आपको कोई भी फेशियल की नीड नहीं होगी। लाइक दिवाली का टाइम है तो बहुत ज्यादा घर में सफाई चलती रहती है, तो इस वजह से हम अपने स्किन पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और पार्लर नहीं जा पाते हैं। तो अगर आपको पार्लर नहीं गए हैं या फिर आपको लगे कि फेशियल बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ रहे हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छा इंस्टेंट ग्लो मिलेगा, आपकी स्किन ब्राइट होगी, आपके सारे जो डार्क स्पॉट्स है वो रिमूव हो जाएंगे एंड जितना भी आपकी जो फेस की डर्ट है वो निकल जाएगी, जिससे जो आपका मेकअप है बहुत ही उभर के आएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा DIY फेस पैक। गाइस, जो ये DIY फेस पैक है इसमें जो भी हमने चीजें यूज की है ये हमारे घर पे इजीली अवेलेबल भी हो जाती है और बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो सबसे पहले मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी, नेक्स्ट इसे कैसे लगाना है वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो लेट्स मूव ऑन दी वीडियो। तो गाइस, इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून कॉफी, 1/2 टेबल स्पून मलाई यानी कि क्रीम एंड 1/2 टेबल स्पून कर्ड यानी कि दही, 1/2 टेबल स्पून बेसन यानी कि डैम फ्लोर, 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड 2 से 3 ड्रॉप्स चाहिए आपको गुलाब जल यानी कि रोज वाटर। मैं यहाँ पे डाबर का गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी गुलाब जल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, इन सबको आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। मेड श्योर बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं रहने चाहिए बेसन में, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स होगा एंड बहुत अच्छे से अप्लाई होगा। गाइस, फेस पैक बनके बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी का आपको फेस पैक चाहिए। तो सबसे पहले आपको फेस क्लीन करना है एंड देन फेस पैक अपने फेस पे अप्लाई करना है। एंड गाइस, ये फेस पैक बहुत ही अच्छा है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करेगा एंड आपको ब्राइट स्किन देगा। एंड 10 मिनट्स से ऐसे ही रखने के बाद फेस पैक रिमूव करना है एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा नेचुरल ग्लो मिला है। तो गाइस, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके पास में ही है बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी आने वाली और अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय गाइस।